तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक अपडेट, वो ये कि अपने उम्र को लेकर निर्भया केस में एक पवन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कि जब 16 दिसंबर 2012 को ये इंसिडेंट हुआ था तब वो नाबालिग था। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों पहले ही खारिज कर चुकी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। तो एक लाइफलाइन और जो थी वो इन चारों गुनहगारों में से एक की ख़त्म हो गई। अब तक 10 लाइफलाइनें बची हुई थी, अब 9 बची हैं। अब बाकी आगे अभी देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि मर्सी पिटीशन है और क्यूरेटिव पिटीशन भी दो दो के हैं। 1 फरवरी तारीख भी है, हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि 1 तारीख को फांसी होगी। तो ये अपडेट था। अब आज की कहानी पर आते हैं। तिहाड़ जेल आजकल सुर्खियों में, खासतौर पर निर्भया के गुनाहगारों के लिए, क्योंकि चारों की फांसी वहीं होनी है और तिहाड़ के अंदर होनी है। एक लगभग 200 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ तिहाड़ जेल एशिया के सबसे बड़े जेल में से एक है, और मतलब अपनी कैपेसिटी से 3-4 गुना 5 गुना ज़्यादा यहाँ पे कैदी रहते हैं। तिहाड़ में अलग अलग 10 जेल हैं, लेकिन जेल नंबर 3 जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी बातें होती हैं। उसकी वजह यह है कि तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ही फांसी घर है, मतलब तिहाड़ में अगर कहीं फांसी हो सकती है वो जेल नंबर 3 में हो सकती है। और वहीं पे अब तक ये कहते हैं सुनील गुप्ता जी, जो वहाँ पे 35 साल जिन्होंने काम किया, उन्होंने बताया था कि कहा जाता है कि तिहाड़ में अब तक हिंदुस्तान जब से हम आज़ाद हुए 35 फांसियाँ हुई हैं वहाँ पर, पूरे देश में हालांकि 57 है फिगर। फांसी या सजाए मौत को लेकर एक अजीब चीज़ है कि इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि डेथ पेनल्टी है, जिसको फांसी दे दी गई, सजाए मौत दी गई, उसको रिकॉर्ड पे मत रखो। वो तो अब जो फांसियाँ होती हैं तो तारीख और डेट सब याद रहता है, क्योंकि स्टेटमेंट भी आ जाते हैं। पहले तो ऐसी बहुत सारी तमाम फांसी हुई जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था, या तो जिसका मरा फैमिली वाले बस वो जानते थे, बाकी किसी को मतलब नहीं था उससे। तो ऐसे ही कहते हैं कि तिहाड़ में अब तक 35 फांसी हुई है, और वो सारी की सारी फांसी, चूँकि फांसी कोठी एक ही जगह तिहाड़ के जेल नंबर 3 में, वहीं हुई। और इसीलिए तिहाड़ के जेल नंबर 3 में उस फांसी कोठी के आसपास के इलाके को कई बार भुतहा भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कहा गया कि वहाँ पे भूत आता है, अजीब अजीब आवाज़ आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, मारने पीटने की आवाज़ आती है। यहाँ तक कि वो जो अंदर में जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी की, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस, उन पुलिस वालों तक ने कई बार कंप्लेन की कि अचानक उनके ऊपर हमला हुआ, वो भूत था। बल्कि एक तो ये भी कहते हैं कि उस फांसी कोठी के पास एक मर्डर भी हुआ, उस सजा के तौर पर वहाँ डेथ सेल में 3 लोगों को रखा गया था और सुबह उनमें से एक मुर्दा पाया गया, और बाद में जब पूछताछ हुई तो जिसके ऊपर शक था उसने एक नाम लिया था कि उसके भूत ने मुझे कहा था इसको मारने के लिए, और वो नाम था मकबूल भट्ट का। सबसे ज़्यादा तिहाड़ में भूत जो देखे जाने की बात आती है वो मकबूल भट्ट की। तो ये ऐसे क्यों है, क्या है, ये पूरी कहानी बताऊँ उससे मकबूल भट्ट की कहानी हम लोग समझ लेते हैं। मकबूल भट्ट जम्मू कश्मीर का रहने वाला, तब वो पैदा हुआ जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब एक थे और कश्मीर एक आज़ाद रियासत हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में पैदा होने के बाद मकबूल भट्ट जब बड़ा हुआ तो उसने जम्मू कश्मीर के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी पढ़ाई की, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़, और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर वो पेशावर यूनिवर्सिटी पहुँच गया। चूँकि इंडिया पाकिस्तान एक था तब, तो कोई रोक टोक थी नहीं सरहद की, और आज़ाद कश्मीर का रहने वाला मकबूल भट्ट, तो मकबूल भट्ट वहाँ से पेशावर पहुँचा। पेशावर में, पेशावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वहीं पे मशहूर जो शायर है उस वक्त अहमद फराज, उनसे मुलाकात हुई। शायरी, उर्दू ज़ुबान, इन सब का बड़ा शौक़ था मकबूल भट्ट को, और पढ़ाई लिखाई के दौरान ही पेशावर यूनिवर्सिटी में फिर उसने जर्नलिज़म करना शुरू किया, और कुछ वक्त तक जर्नलिज़म किया। वहाँ का एक अखबार था अंजाम, उर्दू न्यूज़पेपर, उसमें बाकायदा मकबूल भट्ट ने काम किया। इस दौरान में फिर काम वाम करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया,
बर्मिंगम, वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का एक मैच भी था, सबसे ज़्यादा इंडियन वहाँ रहते भी हैं। इस दौरान देश आज़ाद हो चुका, भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, कश्मीर जो है वो भारत के साथ आ गया। लेकिन कश्मीर को लेकर कुछ लोग ऐसे थे जो उस वक्त से लड़ाई लड़ रहे थे। उनका ये कहना था कि कश्मीर, ये वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहे या कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहे, वो ही चाहते कि कश्मीर आज़ाद हो, एक आज़ाद रियासत के तौर पर रहे। तो उसी में से एक मकबूल भट्ट भी था। जब मकबूल भट्ट इंग्लैंड गया तब वहाँ उसने एक जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट JKLNF का गठन किया। इसके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह था कि कश्मीर की आज़ादी को लेके लड़ाई करना। तो कश्मीर को लेके जो पहली बार आवाज़ उठी अलग कश्मीर को लेकर, आज शाम से थोड़ा गला खराब है, तो उसमें JKLNF का भी रोल रहा। मकबूल भट्ट अपने एक साथी के साथ मिलकर इस फ्रंट के जरिए आज़ाद कश्मीर के सपने को देखते हुए, बाकायदा उसने पुलिस से, उस वक्त आर्मी से, इन लोगों से भी टकराया, लड़ाई की। और ये एक उसका जो मूवमेंट है वो चलता रहा इंग्लैंड में रहकर। बाद में फिर वो पाकिस्तान लौटा इंग्लैंड से, और पाकिस्तान से फिर इंडिया आ गया। और इंडिया आने के बाद फिर जम्मू कश्मीर में वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करने लगा और लोगों को समझाने लगा, भड़काने लगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि मकबूल भट्ट जो है वो भारत विरोधी काम कर रहा है। पुलिस, बाकी एजेंसियां भी उस वक्त अलर्ट थीं। ये भी कहते हैं कि उस वक्त मकबूल भट्ट जो है वो कश्मीर का एक तरह से, जो अभी हमने देखा हाल में कई ऐसे टेररिस्ट हैं जो पोस्टर बॉय बने हुए थे, बुरहान वानी का किस्सा ले लीजिए, तो कहते हैं कश्मीर में इस तरह का पहला पोस्टर बॉय जो था वो मकबूल भट्ट था। पढ़ा लिखा, गोरा चिट्टा, और उसकी बातें और वहाँ पे लोगों में उसका बड़ा वो था, उसके फॉलोवर्स भी बढ़ते जा रहे थे JKLNF के बैनर तले। तो जब वो कश्मीर आया उसके बाद फिर कश्मीर की अलग रियासत बनाने के लिए, जो हिंदुस्तान में ना मिले, पाकिस्तान में ना मिले, उसके लिए लड़ाई करने लगा। और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई। 1966 में JKLNF के जो लोग थे उनकी और एक पुलिस वालों से मुठभेड़ होती है, इनकाउंटर होता है। इसमें एक मकबूल भट्ट का साथी जिसका नाम औरंगज़ेब था, इस मुठभेड़ में मारा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इस मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच का एक CID का अफसर जिसका नाम अमरचंद था, वो भी मारा जाता है। और इस अमरचंद की मौत के सिलसिले में इस मुठभेड़ के बाद मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लेती है, और साथ में उसका एक और साथी था काला खान, ये दोनों एनकाउंटर में उस वक्त शामिल थे। तो मकबूल भट्ट पहली बार यहाँ पे गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलता है, एक पुलिस अफसर की मौत का, कत्ल का। और मुकदमे में सुनवाई के बाद अदालत जो है मकबूल भट्ट को सजाए मौत दे देती है इस CID अफसर के कत्ल के जुर्म में। मकबूल भट्ट ने बाकायदा अपना जुर्म कबूल किया और उसने कहा कि हाँ मैंने ये किया है। लेकिन बाद में उसे फिर श्रीनगर के जेल में भेज दिया गया। श्रीनगर में जेल में रहने के दौरान 1968 में, करीब 2 साल ही ये जेल में रहा था, 66 में अरेस्ट हुआ था, 68 में सुरंग बनाकर मकबूल भट्ट दो और कैदियों के साथ श्रीनगर जेल से भाग जाता है। बाद में खबर आती कि वो पाकिस्तान पहुंच गया। वो पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान में रहते हुए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़रिए वो कश्मीर के लोगों को भड़काता रहता है। 68 में जाने के बाद 3 साल गुजर चुके थे। 71 में मकबूल भट्ट का तब पहली बार नाम फिर सामने आता। 3 साल तक खामोशी थी क्योंकि वो पाकिस्तान में था। इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन जो पुराना था उसको आखिरी शायद सफ़र पर निकाला गया था, नाम गंगा, उस श्रीनगर से लाहौर के लिए वो उड़ान भरा और उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। जो हाईजैकर थे दो थे, हाशिम कुरैशी और अशरफ भट्ट। बाद में पता चला उस प्लेन को लाहौर ले जाने के बाद सारे मुसाफिर, उन क्रू मेंबर को उतार दिया गया और उस प्लेन में आग लगा दी गई।
इसकी कहानी मैंने आपको एक बार पहले सुनाई है। तो उसको लेके ये भी था कि ये अपनी एजेंसी का या बाकी लोगों का काम था, लेकिन उसमें नाम आया फिर मकबूल भट्ट का, और कि ये प्लेन हाईजैकिंग के पीछे मकबूल भट्ट था, क्योंकि हाशिम कुरैशी जब गिरफ्तार हुआ तो उसने अपना स्टेटमेंट दिया था कि उसने मकबूल भट्ट के कहने पे इस प्लेन को हाईजैक किया था। तो 71 में मकबूल भट्ट का नाम आया। इसी दौरान में 71 में भारत और पाकिस्तान के बाद के साथ दोनों की जंग बिछड़ गई, तो हालात ख़राब थे। उधर एक तरफ प्लेन हाईजैक में नाम आ रहा था, लेकिन इधर जंग, तो बड़ी सारी चीज़ें चलती रहीं। जंग के बाद थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ, तो फिर भारत ने पाकिस्तान से कहा कि मकबूल भट्ट को गिरफ्तार करके आप हमें सौंपो, क्योंकि उसने हमारे प्लेन को हाईजैक किया है और यहाँ ऑलरेडी एक कत्ल के सिलसिले में उसको मौत की सज़ा हुई है, तो यहाँ वो बाकी की सज़ा काटेगा। पाकिस्तान ने भारत के दबाव में मकबूल भट्ट को गिरफ्तार तो कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भी डाल दिया, लेकिन भारत को नहीं सौंपा। दो साल बाद, चूँकि 1972 में गिरफ्तार हुआ था, इस हाईजैकिंग के एक साल के बाद, हाईजैकिंग 1971 में हुई थी, 74 में पाकिस्तान ने मकबूल भट्ट को रिहा कर दिया। मकबूल भट्ट रिहाई के बाद अब उसे लगा कि जंग हो चुकी, 3 साल बीत गया, वो वापस कश्मीर पहुंचता है। लेकिन कश्मीर आने से पहले ही जो हमारी इंटेलिजेंस थी उसे पता चल गया था कि मकबूल भट्ट वापस कश्मीर आ रहा है। तो जैसे ही वो कश्मीर में आता है, हमारी एजेंसियाँ और दोबारा उसे गिरफ्तार कर लेती हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब उसे जेल भेज दिया जाता है। ऑलरेडी वो मौत की सज़ा पा चुका था कोर्ट से, तो उसको जब जेल भेजा गया तो फिर ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मकबूल भट्ट फिर से जेल से भाग जाए या आतंकवादी उसे छुड़ाने के लिए कोशिश करें। तो जम्मू कश्मीर रखने के लिए सही जगह नहीं थी, तो आखिर में फैसला लिया गया कि मकबूल भट्ट को कश्मीर से निकाल कर दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, क्योंकि ये दिल्ली की तिहाड़ जेल सबसे महफूज जगह मानी जाती है। तो इसलिए बिना तिहाड़, जो कि जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, क्राइम श्रीनगर में हुआ था, सज़ा वहीं की अदालत ने दी, जेल भी वहीं की होनी चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि मकबूल भट्ट भाग न जाए, उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था। अब वो दिल्ली के तिहाड़ जेल आया, इस दौरान में मुकदमा चलता रहा, हाईकोर्ट में गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक ने मौत की सज़ा को बरकरार रखी। तब प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह थे, मकबूल भट्ट ज्ञानी ज़ैल सिंह के पास दया याचिका मर्सी पिटिशन लेकर पहुंचा, लेकिन राष्ट्रपति ने भी उसे खारिज कर दिया। ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी दौरान में JKLF लगातार मकबूल भट्ट को रिहा कराने की मांग तेज़ करता रहा, और इस दौरान में उसने बहुत सारे लोगों को किडनैप किया, उसके बदले में सौदा करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ नाकाम होता रहा। फिर तभी अचानक एक ऐसी चीज़ हुई जिसने बहुत सारी चीज़ें बदल के रख दी, और वो ये था कि बर्मिंगम में, इंग्लैंड में, एक अपने इंडियन डिप्लोमेट थे, मिस्टर रविंद्र महात्रे, JKLNF ने रविंद्र महात्रे को किडनैप कर लिया बर्मिंगम में, और किडनैप करने के बाद भारत सरकार के सामने ये मांग रखी कि मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल से रिहा कर दो, नहीं तो हम रविंद्र महात्रे को मार देंगे। अब एक इंडियन डिप्लोमेट की किडनैपिंग, वो भी कश्मीर, वहाँ जो कश्मीरी मिलिटेंट हैं उनके ज़रिए इंग्लैंड में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। इंदिरा गांधी तब उस वक्त प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने अपनी मांग रखी, बातचीत चलती रही, लेकिन भारत सरकार का ये स्टैंड था कि हम रविंद्र महात्रे की रिहाई के एवज़ में किसी टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। कुछ दिनों तक ये मामला चलता रहा, उसके बाद एक दिन अचानक रविंद्र महात्रे की लाश मिलती है, उनके शरीर में 3 गोलियां थी। और ये जैसे ही खबर, ये बात है करीब 6 फरवरी 1984 की, तो जब ये पहले उनको छुड़ाने की तमाम कोशिश हो रही थी रविंद्र महात्रे को रिहाई दिलाने की, लेकिन वो सारी चीज़ें कामयाब हुई नहीं। आखिर में जब लाश मिली और ये कंफर्म हो गया कि रविंद्र महात्रे को JKLNF के लोगों ने मार दिया है, तब कहते हैं उस वक्त सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि तुम अगर हमारे एक आदमी को मारोगे तो हम तुम्हारे भी आदमी को मारेंगे। और इसके बाद जो अभी तक मामला मकबूल भट्ट का पेंडिंग पड़ा हुआ था फांसी का, आनन फानन में फरवरी 1984 में उसको एग्जीक्यूट किया गया। प्रेसिडेंट से कहा गया कि आप मर्सी पिटिशन खारिज कर दें और फटाफट डेथ वारंट साइन करें। आनन फानन में डेथ वारंट साइन होता है, उस वक्त ये सारे मेल, STD, ये सारी चीज़ें भी नहीं थी,
तो वो जो था कि घर वालों को खबर करना, इन्फॉर्म करना, ये सब। लेकिन किसी तरीके से जो वकील है मकबूल बट के उसको पता चल जाता। उसकी वजह ये थी कि जैसे यहाँ सरकार फैसला लेती है, करीब 6 फरवरी को फैसला लिया गया था, तो उस वक्त जो तिहाड़ के DGP थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, वो थे मिस्टर RS सेठी। RS सेठी 6 फरवरी को ये लाश मिलती है अपने डिप्लोमेट रविंद्र महात्रे की। 6 फरवरी को ही सरकार फैसला करती है कि इसका बदला ये है कि अब उनको मैसेज दिया जाए तो मकबूल भट्ट की जो फांसी पेंडिंग पड़ी हुई उसको फटाफट अब फांसी पे लटकाया जाए। 7 फरवरी को तिहाड़ के DGP मिस्टर RS सेठी खुद फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचते हैं ब्लैक वारंट साइन कराने के लिए। और उसकी वजह ये थी कि जुरिस्डिक्शन जो था वो श्रीनगर था, क्योंकि इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ था, सज़ा श्रीनगर की कोर्ट ने दी थी, तो डेथ वारंट भी श्रीनगर की अदालत साइन करती। हालांकि ऐसे मामले में आमतौर पर लीगल अफसर या सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल ही जाता है, लेकिन ये मामला उस वक्त इतना सेंसिटिव था कि खुद तिहाड़ के DGP को वहाँ जाना पड़ा, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन को, और वहाँ जाकर ब्लैक वारंट साइन किया। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, ये भी पता था कि एक तो छुड़ाने के लिए इतनी कोशिशें हो रही हैं, तो अगर फांसी पर लटका दिया गया तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा घाटी में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए। तिहाड़ जेल के आसपास एक तरह से 144 लगा दी गई और तारीख फिक्स हुई 11 फरवरी 1986 फांसी देने के लिए। हालांकि इस दौरान उसी वक्त 1984-83 में एक फिल्म आई थी हॉलीवुड की, जिसमें यह दिखाया गया था कि कैसे जेल के अंदर चॉपर से और हेलीकॉप्टर से किसी कैदी को छुड़ाने के लिए, बाद में एक हमारे भी फिल्म बनी थी वो कर्मा, तो वो लोग छुड़ा कर ले गए। तो एक डर ये भी था कि चूंकि वहाँ पे ब्लैक वारंट साइन हुआ, वकील को पता चला, फारूक अब्दुल्ला को जानकारी थी, तो कश्मीर में ये बात फैल गई कि मकबूल भट्ट को कभी भी फांसी दी जा सकती है। और चूंकि रविंद्र महात्रे का कत्ल हो चुका था तो उसके रिएक्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा था। तिहाड़ जेल को डर ये था कि अब कहीं जो आतंकवादी हैं वो मकबूल भट्ट को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने सरकार से बाकायदा सुरक्षा भी और मांगी। प्रिकॉशन के तौर पर तिहाड़ के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, बाकायदा 144 लगाई गई, और अगले 2-3 दिन तक एक तरह से छावनी में बदल लिया गया एक जेल को, जो ऑलरेडी खुद इतना सेफ रहता है। इसके बाद 11 फरवरी 1984 की सुबह मकबूल भट्ट को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में फांसी दी जाती है। फांसी देने के बाद एक ये भी था, सेम बाद में वो अफजल गुरु का हुआ, कि अगर लाश को घर वालों को सौंपा गया तो जम्मू कश्मीर में उसको लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। तो तिहाड़ जेल में ये पहला इंसिडेंट था जब फांसी के बाद किसी की लाश को तिहाड़ के अंदर ही दफनाया गया, और वो मकबूल भट्ट। तो फांसी देने के बाद उसी फांसी कोठी के आसपास मकबूल भट्ट को दफना दिया गया। सेम बाद में ये 1984 के बाद 2013 में हुआ था, जब अफजल गुरु को फांसी के बाद उसी तिहाड़ में मकबूल भट्ट के कब्र के पास ही दफनाया गया, और तब भी रीज़न यही था कि वहाँ लाश भेजने पे विरोध प्रदर्शन हो सकता है। तो किसी कश्मीरी शख्स को जो JKLNF का चीफ था, देश में पहली फांसी जो हुई वो मकबूल भट्ट के तौर पे हुई, और जो आखिरी थी अभी वो अफजल गुरु की थी, और दोनों को उसी तिहाड़ जेल के 3 नंबर में फांसी दी गई, जहां अब इंतज़ार हो रहा है निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने के लिए। ये तो हुई बात मकबूल भट्ट की कहानी और फांसी की। अब यहीं से तिहाड़ में भूतों के आने का और भूतों की कहानियों का सिलसिला शुरू होता है। 1984 के बाद, चूंकि उस वक्त फांसी बड़ी कम होती थी, लेकिन बैक टू बैक कई हो गई थी, उधर रंगा बिल्ला की, फिर इंदिरा गांधी के हथियारों की, जो मकबूल भट्ट है वो तिहाड़ जेल में काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। उसकी वजह ये थी कि तिहाड़ जेल में किसी का कोई नोटिस आता था, कोई सम्मन आता था, कोई एप्लीकेशन आती थी, तो अगर किसी को इंग्लिश में उसका जवाब लिखवाना होता था तो लोग मकबूल भट्ट के पास जाते थे, क्योंकि मकबूल भट्ट की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। इवन जो सुनील गुप्ता, उन्होंने अपने ब्लैक वारंट किताब में लिखी है कि उनकी अंग्रेज़ी उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, लेकिन जब भी कुछ ऐसी चीज़ आती थी दिक्कत, तो वो याकूब में जो मकबूल भट्ट है उनके पास जाया करता था। तो इस चक्कर में मकबूल भट्ट से लोग तिहाड़ में काफ़ी घुले मिले,
और उसी के बाद जब फांसी हुई तो अचानक एक नई कहानी शुरू हुई कि जो फांसी कोठी है उसके आसपास कुछ सेल है, तो उस सेल में जो उन लोगों को ही रखा जाता है या तो जिनको मौत की सज़ा हुई है। वरना तिहाड़ में एक और काम होता था कि जो कैदी बदमाशी करते हैं, जो कैदी लड़ते भिड़ते हैं, उन लोगों को उठाकर उस फांसी कोठी के नज़दीक एक दो दिन के लिए सज़ा के तौर पर डाल देते हैं। लेकिन उनमें भी अकेले नहीं, पता चला हार्ट फेल ना हो जाए, तीन तीन के ग्रुप में। एक बार ऐसी तीन के ग्रुप में एक को फांसी कोठी जहाँ पे मकबूल भट्ट को फांसी दी गई उससे बिल्कुल करीब सजा के तौर पे डाल दिया गया। रात को वो लोग सेल में थे, सुबह हुई जब इंस्पेक्शन के लिए टीम पहुंची और उठाने के लिए कैदियों को, तो देखा कि उसमें से एक कैदी सेल के अंदर मरा पड़ा है, दो वहीं पे थे। अब वो पहली नज़र में ही देख के लगा कि इसको मारा गया है, यानी कत्ल है। तो सारे बड़े अफसर आए, पूछताछ हुई। तो जब पूछताछ हुई तो उसमें से एक ने जो कहा उसके बाद सुन के वो सारे जेल में ये बात फैल गई। उसने कहा कि रात को जब हम सोए तो मेरे सपने में मकबूल भट्ट आया और मकबूल भट्ट ने मुझसे कहा कि इसको मार डालो, तो मुझे कोई मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं और मैंने मार डाला। अब ये दलील बड़ी कमज़ोर थी क्योंकि कानून, जेल प्रशासन ये सब भूत प्रेत और इन चीज़ों से नहीं चलती, वो सबूत और गवाहों से चलता है। हालांकि उस कैदी को बाद में फिर सज़ा भी हुई, लेकिन यहाँ से ये कहानी उड़नी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे ये हो गया कि लोगों को ऐसे बहुत सारे कैदी जो कहते कि फांसी कोठी की तरफ जाते हो, कहते हैं कि मकबूल भट्ट दिखा मुझे, और हर एक का जो कॉमन था वो ये था कि मकबूल भट्ट जब तक जेल में रहा तो वो हमेशा सफ़ेद खादी का कुर्ता और पैजामा पहना करता था। तो जितने लोगों ने भी उसे देखा उसी सफ़ेद खादी के कुर्ते पैजामा में देखा। अब यहाँ कैदियों की और बाकी बातें ठीक। अच्छा, उस सेल के आसपास जहाँ पे फांसी कोठी है, आम तौर पे अगर सज़ा ना भी दें तो जो सबसे करीब सेल है कैदियों का, उनमें उन लोगों को रखा जाता है जो सबसे ड्रेडेड हैं, सबसे खूंखार हैं, जिनको बड़ी बड़ी सज़ाएँ हुई हैं। कहते हैं कि वो लोग भी इस फांसी कोठी के भूत से घबराए रहते थे। बड़े बड़े जो जिन्होंने पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े जुर्म कर डाले, उनकी भी हवा ख़राब रहती थी ये देख कर कि फांसी कोठी बराबर में। और उनमें से कई ने ये दावा किया और रोए चिल्लाए कि मुझे मकबूल भट्ट और उसका भूत दिखाई दिया। अब कैदियों तक बात ठीक थी, बात और तब ख़राब हुई जब जो पूरे तिहाड़ जेल में जो अंदर की सुरक्षा है और कैदियों की, वो सारी निगरानी करने का काम वो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की है। एक किसी ने उन्होंने सवाल भी पूछा था कि ये दिल्ली के अंदर ज्यूरिडिक्शन है, तिहाड़ जेल दिल्ली में है, तो तमिलनाडु पुलिस को यहाँ क्यों रखा गया? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि तमिलनाडु पुलिस को इसलिए रखा गया है ताकि उनकी ज़ुबान, उनकी भाषा को बाकी कैदी समझ ना सकें और वो भी ना समझ सकें। इससे क्या होगा कि जेल के अंदर जो करप्शन है, रिश्वतखोरी और ये सारी चीज़ें, वो ना हो। क्योंकि अगर किसी को कुछ मंगाना है, ड्रग्स मंगाना है, शराब मंगानी है, सिगरेट मंगाना है और वो उनसे बात करे तो वो उनके लैंग्वेज को समझे ही नहीं। तो इसीलिए इनको वक्त वक्त पे बदल भी दिया जाता है इससे पहले कि वो हिंदी सीख जाए, कैदी तो तमिल उतना जल्दी तो सीखेंगे नहीं। तो इसीलिए रखा गया ताकि वो ज़बान का जो है ना वो एक बैरियर हो, कैदी और पुलिस वाले एक दूसरे की भाषा ना समझ सकें और वो अपना ड्यूटी ईमानदारी से कर सकें। तो इसीलिए तमिलनाडु फोर्स का रखा गया। तो बात तब फैली इस भूत प्रेत की जब खुद तमिलनाडु स्पेशल पुलिस ने, जिसकी ड्यूटी इस फांसी की कोठी के पास थी, उनमें से कई ऐसे आए और उन्होंने कहा कि मेरा गला पकड़ लिया। कई वो ड्यूटी देते देते चीख पड़े, बाकी साथी भागे कि किसी कैदी ने हमला कर दिया, क्या हुआ? तो अपना गर्दन पकड़े हुआ कह रहा कि मेरा अभी गला दबाने की कोशिश की। तो लोगों ने पूछा किससे, किसने किया? तो नाम एक ही लेता था, मकबूल भट्ट। कई लोगों ने कहा कि मकबूल भट्ट को वो जहाँ पे फांसी कोठी और जो कब्र है उसके आसपास टहलते हुए देखा है। और तो और कई ऐसे कैदियों ने कहा जो न सिर्फ डरते नहीं बल्कि कुछ लोग तो ऐसे जो डरते नहीं, उन्होंने कहा कि मकबूल भट्ट सपने में आता और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी केस से बरी हो जाओगे या तुमको जल्दी ज़मानत मिल जाएगी और तुम बस कुछ दिनों में जेल से निकल जाओगे इतने इतने टाइम में। तो ये भी कहते हैं कि उनमें से आधे ऐसे थे जिनके सपने में आके जो कुछ बोला वो सच हुआ और वो उस टाइम में या तो ज़मानत मिल गई या बरी हो गया, निकल गया, इसे इत्तेफाक कहें या उसका वहम कहें, जो कहें, लेकिन ये भी हुआ है। तो आज भी उस पूरे तिहाड़ में, ख़ासतौर पर फांसी कोठी के आसपास, मकबूल भट्ट का भूत देखने का दावा करने वाले बहुत सारे कैदी हैं। और इन कैदियों की बातों को साइट कर दें तो खुद जेल ऑफिशियल, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस, इन तक ने ये कहा है वक्त वक्त पर कि किसी कभी गर्दन पकड़ने की कोशिश की,
कभी अचानक सामने दिखाई दिया खड़ा हुआ, कभी मुस्कुराते हुए दिखाई दिया और वो डर के भाग गए। यहाँ तक कि सुनील गुप्ता जी ने जो अपनी किताब लिखी है ब्लैक वॉरंट, उसमें जिक्र किया है कि शुरू में चूँकि वो आठ आठ फांसी के गवाह रहे हैं, लेकिन मकबूल भट्ट की फांसी के भी वो गवाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब फांसी कोठी पहले वो जाते थे तो आमतौर पर चले जाते थे, लेकिन जब ये किस्से कहानियाँ उड़ने शुरू हुए मकबूल भट्ट के भूत के, तो जब जब कभी ज़रूरत पड़ी फांसी कोठी की तरफ जाने की, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद कम से कम 3 गार्ड अपने साथ लेता था और उसके बाद मैं उस तरफ जाता था। अब ये डर की वजह थी या क्या थी उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं अकेला नहीं गया कभी और हमेशा गार्ड के साथ चलता था। तो आज भी तिहाड़ में इस बात को मानने वाले पुराने जितने भी हैं वो भी नए भी हैं, और आज भी अभी भी कई बार ऐसा होता है कि लोग ये दावा करते हैं कि फांसी कोठी के पास उन्होंने मकबूल भट्ट का को देखा है उसी ड्रेस में जिस ड्रेस में वो हमेशा तिहाड़ जेल में रहा था। अब भूत प्रेत पे चूंकि मैं बिलीव नहीं करता हूं तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अगर वहां पे काम करने वाले कैदियों को हट के पुलिस और खुद एक जेलर ये कहे कि मैं 3 गार्ड लेके चलता था, मुझे भी डर लगने लगा, तो अब मैं इस पर आगे क्या बोलूँ। तो ये थी पूरी कहानी मकबूल भट्ट तिहाड़ के जेल में भूत की। अब आसिम बैठे हुए हैं, फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। बताओ भरम साहब, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं इसको लेकर, और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की बात शुरू से ही चल रही है। जो गुट होता है कुछ ही को कुछ और चाहिए, किसी को सारे एक टेबल पे नहीं आते जिससे एक बातचीत हो और उसका मसला हल हो सके। तो जब अलग अलग विचार अलग अलग सोच होती है तो फिर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। सर मोहम्मद सुल्तान बोल रहे हैं, सर तिहाड़ जेल अंदर से देखना है, किसी खास दिन अंदर से देख सकते हैं क्या जाकर? बिल्कुल आप अंदर से देख सकते हैं, उसके लिए आपको जुर्म करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ फ्री में कोई नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मजाक कर रहा हूँ, कई बार ऐसी कुछ अलग अलग फंक्शंस और बाकी चीज़ें होती हैं रिसर्च के लिए, बाकी जब वो बुलाते हैं या आप एप्लीकेशन दे सकते हैं या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं डीजी तिहाड़ से, तो आपको रीज़न और मोटिव बताना पड़ेगा क्यों, तो उसके लिए रास्ता है। सर डी आर खन्ना बोल रहे हैं, सर मुझे इस बात का समझ नहीं आ रहा कि कोई भी वकील 16 दिसंबर के रेप केस के दोषियों का केस करने के लिए कैसे तैयार हो जाता है जबकि वो जानता है कि पूरा देश ये उनके लिए फांसी जाता है। सीके खन्ना साहब, मैं आपकी इस लाइन से थोड़ा सा डिफर हूँ। मेरा मानना है कि चाहे जो जिसने जितना बड़ा जुर्म किया हो, जितनी बड़ी सज़ा मिली है, लेकिन उसको अपना कानूनी राइट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसीलिए हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, उसमें उसका राइट है, और ये राइट किसी और ने नहीं दिया, उसने खुद तय नहीं किया, कानून संविधान ने दिया। तो मरना तो है इन चारों को, लेकिन अगर ये है कि उनको वैसे ही टांग दे तो फिर ये होगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हालांकि उसने दूसरों के साथ जुल्म किया, लेकिन उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि देखो तुमने कितना बुरा काम किया लेकिन तुम्हें पूरा मौका हमने दिया। तो हर एक का कानूनी राइट है, कानूनी राइट उसको मिलना चाहिए, वो उसका अधिकार है। फिर जो उसका अंजाम, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बिल्कुल डिले हो रहा, थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन अंजाम वही है जो लिखा हुआ है और वो होगा। लेकिन हो सकता है इस केस के बाद हमारे जो लूपोल्स हैं कानून में, क्योंकि टाइम फ्रेम को लेकर शायद, और जेल मैनुअल में जो कमियां हैं वो सारी चीज़ें शायद मुझे लगता बदलेंगी। सर प्रतिभा है बोलने, सर आपने पिछले एपिसोड में ये चीज़ बोली थी कि इन्हें फांसी नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को। सर ये क्राइम जर्नलिस्ट की इंस्टिंक्ट थी या कोई आपके अंदर सूत्रों ने बताया? नहीं प्रतिभा जी, ऐसा कोई सूत्र ने नहीं बताया क्योंकि खुद अभी वकीलों को भी पता नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है। जैसे चूंकि मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ, पता करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, फिर अलग अलग चीज़ें देखता हूँ, तो अभी जैसे मैं आपके सामने अभी कह रहा हूँ कि 10 इनके पास लाइफलाइन बाकी थी, आज एक बेकार चले गया, अभी 9 फिर भी बाकी हैं, तो मैं उसको काउंट करता हूँ हर एक माइनस प्लस करके, तो मुझे लगता है कि अगर एक एक में भी 14-14 दिन दे दें तो 42 दिन तो ये हो गए, 2-2 दिन आप क्यूरेटिव के लिए दे दें, 44 हो गए, फिर उसका मसीह पिटीशन को ये जो चैलेंज करेंगे उसको भी दे दें, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये 1 फरवरी तो खैर मैं 110% हो गया नहीं होगा, एक के बाद जो फिर 14 दिन के बाद की नई तारीख आएगी, हो सकता है वो 15-16 फरवरी हो, उसके बाद फिर नई तारीख आएगी शायद वो 29 फरवरी हो। मेरा अपना अंदाज़ा कि शायद मैं थोड़ा सा गलत हो जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि या तो 29 से पहले नहीं और या फिर मार्च, उससे पहले नहीं हो। सर तरुण श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि आप तिहाड़ जेल की उस फांसी के तख्ते के पास कभी गए हैं, आपने देखा है वो तख्ता कैसा है? एक बार बहुत पहले जाने का मौका मिला था, और ये बात है शायद 99 या 98 की, लेकिन उस तख्ते तक नहीं गया था। हाँ, उस फांसी कोठी को दूर से मैंने देखा, उस इलाके को दूर से देखा, और उसके बाद वहाँ करीब तक जाने का कोई मौका नहीं मिला। और दूसरी बात एक ये भी थी कि उस पर असल में एक गलती ये थी कि शायद मैं देख लेता,
उस वक्त आसान था मेरे लिए देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं, पहले नहीं थी। लेकिन ख्याल भी नहीं आया था कि यहाँ, क्योंकि कोई ऐसा केस भी नहीं होता कि जिसमें मुझे लगा था कि आने वाले टाइम में कुछ आगे पीछे फांसी होनी है। तो जब कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द होता है, कोई ऐसी खबर चलती है, तब आपका दिमाग तमाम तरह से वैसे ही सोचता है। तो उस वक्त बाकी ये था कि यहाँ पे कौन कौन डॉन है, कौन क्रिमिनल है, कैसे रह रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसकी सेवा होती है। तो मेरा फोकस पूरा वो था। फांसी की तरफ इसलिए नहीं गया कि दूर दूर तक न फांसी की कोई उम्मीद थी किसी की, और न मुझे लगता है कि उस वक्त कोई ऐसी स्टोरी चल रही थी। सर, श्रुति जैन बोल रहे हैं, क्या कभी जेल प्रशासन की तरफ से भी तांत्रिक अनुष्ठान किया गया भूल भगाने के लिए? क्षितिज जी, इसको रिकॉर्ड पे नहीं बताया जा सकता, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी की गई अंदर भी तिहाड़ में, कि इन भूत प्रेत का, चूँकि जब खुद तमिलनाडु पुलिस फोर्स तक ने ये कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो अनऑफिशियल अंदर में ये सारी जो तंत्र मंत्र की चीज़ें हैं वो की गई। सर, बपन घोष हैं, बोल रहे हैं, सर क्या मकबूल भट्ट का एनिवर्सरी अब भी मनाया जाता है कश्मीर घाटी में? बिल्कुल, ये बीच बीच में आप देखते हैं कि खबरें आती रहती हैं, जब जब ये होता है 11 फरवरी को, तो छिटपुट ऐसी खबरें आती रहती हैं। सर, मोहम्मद राशिद बोल रहे हैं कि सर प्लीज मेरे बड़े भाई का नाम लीजिए, काशिफ नाम है, वो ड्राइवर है, वो लाइव शो नहीं देखते, तो वो रिकॉर्डिंग देखते हैं आपके, बहुत बड़े राशिद साहब, थैंक यू बोलेगा आप काशिफ साहब को। और अच्छा है वो लाइव नहीं देखते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल लाइव नहीं देखना चाहिए, और जब वो फ्री हो तब सुना करें। लेकिन थैंक यू काशिफ साहब आपका भी, राशिद साहब आपका भी। सर, कमाल केसी हैं, बोल रहे हैं, सर मैं मलेशिया से आपका शो देखता हूँ, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, कभी नेपाल के बारे में भी कुछ सुनाइए। कमाल केशव साहब, जल्दी मैं आपको सुनाता हूँ नेपाल की कहानी, हालांकि एक दो सुना चुका हूँ, ज़्यादा शायद नहीं सुनाया हूँ, लेकिन ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ और आपकी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी करता हूँ। सर, धर्मेंद्र रावत बोल रहे, शम्स भाई आपके साथ एक हादसा हुआ था वीडियोकॉन टावर पर, हुआ था भूतिया टाइप का पेड़ के पास, उस बारे में थोड़ा बताइए। मैंने इसको डिटेल में आपको इसी क्राइम तक की कहानी में पढ़ा हुआ है, वो एक जो हादसा हुआ था, पक्का आपको मैं एपिसोड भी बता देंगे, तो आप ज़रूर सुनिएगा पूरी कहानी डिटेल में। सर, आपने भूत देखा है क्या, इस बारे में कई लोग पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने कहा मैं तो इस पर बिलीव ही नहीं करता हूँ, मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल मानता नहीं, हालांकि मैं डरता हूँ, बहुत डरपोक हूँ, भूत प्रेत के नाम से डरता हूँ। जैसे मैं कभी अकेले सो नहीं पाता हूँ, अगर कोई घर में नहीं है तो सारी लाइटें बत्तियाँ जली रहेंगी, टीवी ऑन होगा, तो नींद वैसे नहीं आती। तो लेकिन भूत प्रेत होता है, इन चीज़ों को मैं कभी नहीं मानता हूँ, और इसलिए जब मानते ही नहीं तो कभी देखने की बात ही नहीं होती। सर, रेहान त्यागी है, बोल रहे हैं, सर कभी तिहाड़ जेल के अंदर का भी नज़ारा हमें दिखाइए। तिहाड़ के अंदर का नज़ारा, असल में देखिए कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं होता है, और वो सिक्योरिटी रीज़न से भी है, लेकिन कभी मैं आपको लाइव, जैसे कई लोग आप कहते हैं कि मैं कहानी सुनाता हूँ तो तस्वीरें चलती हैं, तो एक दिन तिहाड़ की अंदर की जो पूरी पूरा जो नक्शा है वो मैं आपको सुनाऊंगा, शायद तस्वीरों के तरह आप उसको समझ सके। सर, मानसिंह द्योरा बोल रहा है, मकबूल भट्ट का केस क्या रेयर ऑफ द रेयर रेस कैटेगरी में आता है? मानसिंह देवड़ा साहब, नमस्कार, बड़े जमाने के बाद आपका नाम सुना आज, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अच्छा, वो आपके सवाल से मुझे एक दो चीज़ें और याद आई। रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी अब बदल गई है, तो अगर मुझसे पूछे तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट इस केस में रह गया था वो ये था कि मकबूल भट्ट ने तब एक उसके वकील ने इल्ज़ाम लगाया था कि जो कानूनी प्रक्रिया है पूरा वो पूरा नहीं हुआ, जैसे लोअर कोर्ट ने जो डेथ पेनल्टी दी तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर मुहर नहीं लगाई थी, और हाई कोर्ट ने जब मुहर ही नहीं लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उस डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा, नंबर एक। नंबर टू, इसी दौरान एक और केस चल रहा था मकबूल भट्ट पे, जो दिल्ली में चल रहा था और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। 11 फरवरी को जब ये फांसी हुई, इस फांसी के एक हफ्ते के बाद इत्तेफाक से उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में तारीख लग गई। उस तारीख जब लगी तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने पूछा कि इस केस में अपडेट क्या है और मकबूल भट्ट कहाँ है। तब उधर से वकील को बताना पड़ा कि सर मकबूल भट्ट की तो ऐसे ऐसे एक हफ्ता पहले फांसी दे दी गई 11 फरवरी 1984 को। तो जज चौंक उठे, उन्होंने कहा कि ये तो अभी केस पेंडिंग है दूसरा, और इस केस का फैसला आने से पहले ही आपने उसको फांसी पे कैसे लटका दिया। तब फिर वकील ने कहा कि ये हायर अथॉरिटी की तरफ से ये सारी चीज़ें आई थी, आया था, और इसलिए सारी चीज़ हुई, तब जाकर वो केस क्लोज हुआ। तो एक ऐसा केस था जिसमें एक फांसी हो गई और कोर्ट में एक मामला चल रहा और कोर्ट को पता भी नहीं था, ये बाकायदा दस्तावेजी है, डॉक्यूमेंटेड है। तो एक पहलू ये भी है। हिमांशु मंडल है, बोल रहे जैसे इंदिरा जी की सरकार ने एकदम से फैसला लिया, आज की गवर्नमेंट को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आखिर उस बुढ़िया के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो पागलों की तरह अपनी बेटी को इंसाफ दिला रही है। मंडल साहब, मैं आपसे सहमत हूँ। एक चीज़ और, आपके मंडल साहब आपने कहा तो उस पर भी याद आया,
मैं अभी हाल में यह गलत था कि अगर ये निर्भया केस में प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन दाखिल कर दें तो एक रिकॉर्ड होगा सबसे कम टाइम में। ये रिकॉर्ड टूट चुका है मकबूल भट्ट के टाइम में। जब 6 फरवरी को मात्रे की लाश कंफर्म हो जाती है और 11 फरवरी 5 दिन सिर्फ था जब सरकार ने फैसला लिया, खासतौर पर इंदिरा गांधी ही ने फैसला लिया था, तो 5 दिन, 5वां दिन तो 11 फरवरी था, फांसी हो गई, तो कायदे से 4 दिन, 4 दिन में मकबूल भट्ट की रिव्यू पिटीशन, मकबूल भट्ट का मर्सी पिटीशन, ये सब क्लियर हो गया और 5वें दिन सुबह फांसी दे दी गई। वो फास्टेस्ट था। अब उसका रिकॉर्ड शायद अभी टूटे, नहीं टूटे। नहीं, कई भाग चुके हैं, भागे तो कई कैदी हैं, लाशें मिलती हैं, अंदर कैदियों के बीच मारपीट होती है, मर्डर होता है, ये तो कई बार ऐसा हुआ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सर रंजीत हैं, बोल रहे हैं सर उनका आज बर्थडे है। रंजीत साहब हैप्पी बर्थडे, हमेशा आप अच्छे रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। सर आप किस तरीके से अपनी स्टोरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, इस बारे में स्वप्ना जी पूछ रही हैं। स्वप्ना जी, मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ खासतौर पर आप लोगों से बात करने के लिए, मुझे लगता है ये सबसे आसान काम है। आप सामने मैं इधर से बोलना शुरू कर देता हूँ, बकबक करने लगता हूँ। हाँ, फैक्ट्स को ज़रूर चेक करता हूँ, कम से कम 10 बार चेक करता हूँ, रीचेक करता हूँ। जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है वहाँ उस केस से जुड़े हुए अगर कोई आईओ है, इन्वेस्टिगेटिव अफसर, या उस केस से जुड़ा हुआ कोई अहम शख्स, उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, उससे पूछता हूँ, कहीं कुछ उलझन हो तो उसको सुलझाने की कोशिश करता हूँ। तो तैयारी और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन बस एक ही चीज़ का ख्याल है कि जो फैक्ट्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, उसमें जो सारी चीज़ें हैं, जो घटनाक्रम है, वो कहीं से गलत ना हो जाए। हालांकि ये भी है कि कई बार गलत हुआ भी है, तो उसके लिए ये कि इंसान ही हूँ तो कभी कभी गलती भी करूँगा, लेकिन बस मेन जो चीज़ें, टाइम जो लगता है या मेन जो तैयारी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उस सच और सच कितना सच है उसको परखने की ज़रूरत होती है। सर धर्मेश सांगवान बोल रहे हैं कि सर क्या इस मामले में ये माना जाए कि इनके निर्भया दोषियों को फांसी होगी ही होगी? सांगवान साहब, फांसी होगी इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 22 जनवरी को नहीं होती है, मुझे डाउट था, 1 फरवरी को नहीं होगी इस पर भी मुझे डाउट है, इसके बाद 15-16 फरवरी को नहीं होगी इस पर भी डाउट है, लेकिन मुझे इस बात पे 1% भी डाउट नहीं है कि इन चारों को फांसी नहीं होगी या इन चारों को उम्र कैद में इनका बदल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, फांसी होगी, बस तारीख कौन सी होगी उसको लेके उलझन। सर प्रतीक्षा बोल रही है जैसे मकबूल भट्ट एक पेंडिंग केस था, ऐसा ही पेंडिंग केस नूप का इन चारों पर भी है? इन चारों का पेंडिंग केस मैंने आपको बताया, अभी जो 9 लाइफलाइन मैंने कही है वो एक्चुअली पेंडिंग केस है इनके। नहीं, इनका इस केस के अलावा और कोई पेंडिंग केस नहीं, लेकिन इस केस से जुड़े हुए इनके जो अभी इनके कानूनी अधिकार हैं, 3 के पास मर्सी पिटीशन है, और उस मर्सी पिटीशन को फिर कोर्ट में चैलेंज करने के 3, तो 3 × 2 = 6, 2 के क्यूरेटिव पिटीशन है, 6 × 2 = 8, 1 का मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गया है लेकिन वो सो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, तो 1 उसके पास, 9, तो ये 9 पिटीशन यानी 9 हथियार, 9 लाइफलाइन अभी इन चारों के पास। सर अलकायदा ऑफ इराक के फाउंडर अबू मुसाब अबू मुसाब अल ज़रकावी की स्टोरी सुनाइए। चलिए मैं कभी सुनाता हूँ आपको ये स्टोरी भी जल्दी। तो आज अब यहीं रोकते हैं, आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।